अरुणाचल प्रदेश के शी योमी जिले में सरकारी स्कूल के हॉस्टल के 21 नाबालिग बच्चों का शारीरिक शोषण करने के आरोपी हॉस्टल वार्डन युमकेन बागरा की जमानत गुवाहाटी हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है। कोर्ट ने 2019 से लेकर 2021 के बीच 21 बच्चों के साथ हुए शारीरिक शोषण के मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए आरोपी की जमानत खारिज की है। उल्लेखनीय है कि यूपीआ की स्पेशल कोर्ट ने 23 फरवरी को आरोपी को जमानत दी थी। आज गुवाहाटी हाई कोर्ट में आरोपी की जमानत खारिज करने के मामले में सुनवाई हुई और कोर्ट ने जमानत खारिज करने का फैसला लिया। कोर्ट ने आरोपी को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। तो बड़ी खबर आई है अरुणाचल से, जहाँ शी योमी जिले में सरकारी स्कूल के हॉस्टल के 21 नाबालिग बच्चों का शारीरिक शोषण करने के आरोपी हॉस्टल वार्डन युमकेन बागरा की जमानत गुवाहाटी हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है और कोर्ट ने 2019 से लेकर 2021 के बीच 21 बच्चों के साथ हुए शारीरिक शोषण के मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए आरोपी की जमानत खारिज की है। यूपीआ की स्पेशल कोर्ट ने 23 फरवरी को आरोपी को जमानत दी थी और आज गुवाहाटी हाई कोर्ट में आरोपी की जमानत खारिज करने के मामले में सुनवाई हुई और कोर्ट ने जमानत खारिज करने का फैसला लिया। आज बेल जो है कैंसिलेशन हुआ है, मैं ऑनरेबल हाई कोर्ट को धन्यवाद कहता हूँ। आज उसके द्वारा जो खुलेआम में जो आपका धीरेन्द्र जो रिफेश जो घूम रहा था वो मतलब उसको आज बेल कैंसिलेशन होके अभी अरेस्ट होगा। इसलिए मैं पुलिस प्रशासन से भी रिक्वेस्ट करता हूँ जल्द से जल्द इसको अरेस्ट किया जाए। इसमें मैं यही कहूँगा जो हाई कोर्ट से अनदर जो रिक्वेस्ट करूँगा कि ये जो ये प्रीपोन किया है, जो उसने बात बताया प्रीपोन केस जो डेट दिया था 3/4, उसको प्रीपोन कर दिया है, उसको सुनने में आया है, उसका भी धन्यवाद। और इसको जल्द से जल्द हम तो ये बोलेगा जांच को, इस केस को मैंने ट्रायल कर देना है और हमको जस्टिस चाहिए, जल्द से जल्द जस्टिस दी गए बोल के हम रिक्वेस्ट करता हूँ। अभी विक्टिम का पेरेंट्स हमारे साथ आए थे, उन्होंने बोला है अब मैंने थोड़ा संतुष्ट हुआ है दिल में, जो खुश हुआ है क्योंकि आज का जो बेल कैंसिलेशन हुआ है, जबकि वो जो शैतान जो जेल में रहेगा उनको मतलब थोड़ा सा सेफ्टी फील करेगा, मतलब पहले तो इनसिक्योर था, आज सेफ्टी फील करेगा और बच्चों का भी थोड़ा दिल जो ट्रॉमेटाइज होके बैठा है वो थोड़ा सा मतलब अब रिलैक्स फील करेगा। इस केस को हम लोग मतलब जितना हो सकेगा, जितना जहाँ तक जो इस लेवल में जो ये लेवल में अगर हम लोग को जजमेंट नहीं मिलता, जस्टिस में नहीं मिलता, हम लोग आगे तक जहाँ तक जो कोर्ट है वहाँ तक हम लोग जाने के लिए तैयार हैं।